दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की इन तीन महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। कृपया करके आप ऐसा अनर्थ मत करना। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप श्री हरि और माता लक्ष्मी का साथ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है। श्री हरि आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूरे करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है, और ये भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर ना किया जाए तो उसे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो, श्री हरि आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं घर में ऐसी तीन महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन, क्या तलाकशुदा एकादशी व्रत रख सकती है? दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि ये व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी ना करे। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही होती हैं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर टू, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसीलिए पूरी मन और श्रद्धा से
महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। दोस्तों नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी के व्रत को कर सकते हैं? खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाती है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी ना रखें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी ही आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर अनर्थ पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों वहीं कुबारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। दोस्तों अगर पाना है श्री हरि की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा, तो आपको एकादशी व्रत सावधानियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए, ये गलतियां आप कभी ना करें। दोस्तों नंबर 1, एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलने चाहिए। नंबर 2, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस मदिरा, लहसुन प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। दोस्तों नंबर 4, इस दिन आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए, नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ साफ कर लेना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। नंबर 5, यदि ये संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित तजी से गीता पाठ कर श्रवण करें। दोस्तों नंबर 6, एकादशी के दिन आपको चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों नंबर 7, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशी मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु आदि के नामों को कंठ का भूषण बनाएं। दोस्तों नंबर 8, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों नंबर 9, ऐसी गलती मत करना। एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपके द्वारा हो सकती है। ये पाप होने पर एकादशी के दिन माफी नहीं मिलती। सफाई आप पहले से ही कर लें। दोस्तों नंबर 10, इस दिन नाखून बाल आदि नहीं काटना चाहिए, पाप लगता है, श्री हरि नाराज हो जाते हैं, व्रत भंग हो जाता है। नंबर 11, इस दिन जितना हो सके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने पर बुरे शब्द निकल सकते हैं और व्रत टूट सकता है। नंबर 12, एकादशी के दिन आपको आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन ही करना चाहिए। नंबर 13,
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, व्रत सफल होता है। दोस्तों नंबर 14, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि के लिए एक लायक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।